हमारे पास एक रेक्टेंगल है और मीट पॉइंट्स दिया हुआ है और रॉम्बस है। तो रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है, रेक्टेंगल पे मीट पॉइंट्स हैं और हमें उन मीट पॉइंट्स को जोड़कर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम PQRS है और ये साबित करना है कि वो एक रॉम्बस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको मीट पॉइंट से रिलेटेड भी थ्योरम यूज करने होंगे, रेक्टेंगल से रिलेटेड भी पॉइंट्स यूज करने होंगे और रॉम्बस से रिलेटेड भी। तो बहरहाल हम लोग स्टार्टिंग जो दिया हुआ है उससे करते हैं। तो गिवन हमारे पास रेक्टेंगल है तो हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और इस रेक्टेंगल का नाम हमने दिया ए बी सी एंड डी। तो ये हमारे रेक्टेंगल के नाम हो गए। अब देखिए इस रेक्टेंगल के मीट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो यहां पर जो ये पी है ये किसका मीट पॉइंट है, ये ए बी का है। तो ए बी साइड पे हम जाएंगे और एक मीट पॉइंट यहां पर बनाएंगे पी को, और क्यू जो है वो बी सी का मीट पॉइंट है। तो हम बी सी पे जाएंगे और एक यहां पर मीट पॉइंट बनाएंगे क्यू। फिर आर मीट पॉइंट है किसका, सी डी का। तो सी डी साइड पे जाएंगे और यहां पर हम एक आर मीट पॉइंट बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हम डी ए पे जाएंगे और यहां पर एक और मीट पॉइंट दिया हुआ है जो कि एस है। तो देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, दो चीजें, पहला तो एक रिक्टेंगल और दूसरा मीट पॉइंट्स। तो अब इसके जरिए जो ये मीट पॉइंट्स है सबको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। तो हम लोग सारे मीट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट पी क्यू बनेगा, आर क्यू बनेगा, आर एस बनेगा और पी एस बनेगा। तो ये हमने क्या किया, सारे मीट पॉइंट्स से हमने लाइन सेगमेंट को जोड़ दिया तो एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म हो गया, दैट इज पी क्यू आर एस। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो आया, अब इसको हमें साबित करना है कि रॉम्बस है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जो गिवन है पहले शुरुआत आपको वहीं से करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारे पॉइंट्स जो दिए होंगे उनको सोचेंगे कि करना क्या है। तो सबसे पहला चीज देखिए रिक्टेंगल है, तो रिक्टेंगल से अभी फिलहाल कोई ऐसी कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पूरा फोकस अभी कहां पे जाएगा, मिड पॉइंट्स पर। और मिड पॉइंट से रिलेटेड हमें पता है कि हम मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन है कि मिड पॉइंट थ्योरम आप यूज कब करेंगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल को फाइंड आउट करने की जरूरत होगी। तो हम लोग चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल के अंदर चले जाते हैं। तो अभी हम लोग एक ट्रायंगल के अंदर जाते हैं, इन ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल में जाने से पहले आप देखिए कि ट्रायंगल में अभी अगर जाने की कोशिश करेंगे तो ट्रायंगल आपको मिलेगा नहीं, ताकि मिड पॉइंट्स को यूज कर पाए। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये वाला हो डी एस आर, तो ये ट्रायंगल तो है लेकिन मिड पॉइंट्स का कोई यूज नहीं हो पाएगा, यहां पर भी नहीं यूज हो पाएगा। तो हमें ऐसा ट्रायंगल लेना है जो ये मिड पॉइंट को यूज कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इस पर एक डायगोनल बनाना होगा। तो देखिए हमने एक डायगोनल बना दिया यहां पर। अब देखिए कि अब हम इस तरह के जब डायगोनल बनाते हैं तो रेक्टेंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक यहां पे दिखाई दे रहा होगा और एक यहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लोग इंडिविजुअली इसको यूज करेंगे। तो अभी हम लोग चले जाते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया ए सी डी। आप इसको चाहें तो थोड़ा स्प्लिट करके देखिए और यहां पर, तो ये मेरा हो गया डी और ये मेरा हो गया ए सी, और यहां पे मीट पॉइंट हमारा है एस और आर। तो देखिए हमारा एक ट्रायंगल तो मिल गया। अब इस ट्रायंगल में ये सारे क्या है, हमारे मीट पॉइंट्स हैं। अब मीट पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट एस आर बनेगा। और आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल में दो मीट पॉइंट्स होंगे तो जो उस मीट पॉइंट से बनने वाला लाइन सेगमेंट है यानी कि एस आर, ये पैरेलल हो जाएगा उस ट्रायंगल के थर्ड साइड से। तो हमारा यहां पर कौन सा ट्रायंगल का साइड बचा हुआ है, एसी, और यही एस आर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा हाफ एसी के।
तो ये कौन सा रूल अप्लाई हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो गया। तो रीजन आप लिखेंगे यहां पर कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप लिखेंगे यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम के कारण हुआ। ओके, अब एक काम तो ये हमारा हो गया, तो हमने एक ट्रायंगल को स्प्लिट कर लिया, अब उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल को भी करेंगे। अब हम ट्रायंगल यहां पर चूज करेंगे जो कि अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर चले गए। अब देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करके देखें कि मिड पॉइंट थ्योरम एग्जैक्टली ये अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो हमने इस प्रकार से ट्रायंगल बना लिया, दैट इज ए बी एंड सी, और इस पर मिड पॉइंट है कौन, यहां पर मिड पॉइंट है पी एंड क्यू, जिससे एक लाइन सेगमेंट हमारा बन गया पी क्यू। तो देखिए फिर मुझे एक ट्रायंगल मिला, और एक ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट्स होते हैं तो उस मिड पॉइंट से बनने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है यानी कि पी क्यू, यहां पर लाइन सेगमेंट पी क्यू बना, ये पैरेलल होगा ट्रायंगल के थर्ड साइड दैट इज ए सी, तो ये इसके पैरेलल हो गया, और यही पी क्यू जो है ये इक्वल हो जाएगा हाफ ए सी के। ठीक है, तो अब इस तरह से तो हो गया सारा चीज, तो अब हम इनको कंपैरिजन करेंगे कि इसके बाद क्या करें। तो देखिए आपको क्या करना है, भी ज्यादा सोचना नहीं है, जो प्रोसीजर जैसे से चल रहा है बस चलते जाना। आप देखिए कि क्या इसको मैं यूज कर पाऊंगा, जो मैंने यूज जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है सारे पॉइंट्स, तो देखिए आप यूज कर पा रहे हैं। यहां पर देखिए कि एस आर पैरेलल टू आपका क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए कि ए सी के पैरेलल कौन है, पी क्यू, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे। एक पॉइंट तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात इसमें करें तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये एस आर जो है ये आपका एस आर जो है ये इक्वल है किसके, हाफ ए सी के, और देखिए यहां पर यही हाफ ए सी जो है किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो ये हमारा पी क्यू हो गया। अब ध्यान दीजिए आप कि ये वाला एस आर पैरेलल हो गया इस पी क्यू के, और ये वाला एस आर इक्वल भी हो गया पी क्यू के। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर अपोजिट साइड्स क्या होगा, अगर पैरेलल और इक्वल हो जाएगा तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होने वाला है, पैरेललोग्राम होने वाला है। सो यहां पर देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बना पी क्यू आर एस, ये एक आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। लेकिन हमें प्रूफ पैरेललोग्राम नहीं करना है, हमें क्या करना है, रॉम्बस प्रूफ करना है। तो अब यहां से हमें सोचना होगा कि हम रॉम्बस कैसे प्रूफ करें, और देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है तो उसका भी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है और रॉम्बस तक अभी हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो हमें सबसे पहले तो रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी को भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि एक और हम डायगोनल लेंगे इस प्रकार से, तो बीडी हमारा जब डायगोनल होता है तो देखिए हम फिर से एक ट्रायंगल की तरफ मूव कर जाया करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बी सी डी के अंदर चले जाते हैं, तो हम लोग अब इन ट्रायंगल बी सी डी के अंदर जाएंगे। अब बी सी डी के अंदर आप जाएंगे तो फिर से आपको दिखाई देगा कि आर और क्यू जो है मिड पॉइंट्स है, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम इसके और इसके बीच में लग रहा है। सो मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ, आर क्यू पैरेलल एंड इक्वल होगा, इक्वल कितना होगा, हाफ बी डी के। ठीक है, ये हमारा हुआ करेगा। अब ये जब हो जाता है तो अब देखिए अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आपको करना क्या है कि देखिए कि सारा हमने मिड पॉइंट थ्योरम तो यूज कर लिया है,
लेकिन जो हमारा गिवन है, गिवन में कौन है, रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने में हमारा फायदा होगा। तो चलिए, अगर मुझे रॉम्बस प्रूव करना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा कि इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बताना होगा। अगर मैं पी क्यू को इक्वल बता दूं किसके, आर क्यू के, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे, और एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये रॉम्बस बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रेक्टेंगल का एक पॉइंट दिया हुआ है, रेक्टेंगल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ए बी सी डी जो है हमारा एक रेक्टेंगल है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी हुआ करेगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो डायगोनल्स जो होंगे रेक्टेंगल के वो क्या हुआ करेंगे, इक्वल हुआ करेंगे। और रेक्टेंगल शब्द पहले इस्तेमाल किया है, तो हमने यहां पर क्या यूज कर लिया कि जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल्स के वो इक्वल हुआ करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं दोनों साइड क्या करने वाला हूं, दोनों साइड में हाफ हाफ करूंगा। अगर मैं इसके साइड में हाफ करता हूं हाफ ए सी, तो इसके साइड में करना पड़ेगा ताकि वैल्यू डिस्टर्ब ना हो, हाफ बी डी। अब देखिए यहां पर आप कि हाफ ए सी का वैल्यू कितना है, तो आप देखेंगे कि हाफ ए सी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दो है, एक हाफ ए सी का वैल्यू पी क्यू आपको दिखाई दे रहा है और एक हाफ ए सी का वैल्यू आपको एस आर दिखाई दे रहा है। तो हम बेटर होगा कि पी क्यू ले लें, यह आपकी चॉइसेस पे डिपेंड है। तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर ये ले लिया हाफ ए सी की जगह पर, हमने क्या ले लिया, पी क्यू ले लिया पी क्यू। अब देखिए हाफ बी डी का वैल्यू क्या है, तो हाफ बी डी का वैल्यू देखिए आपने यहाँ पे क्या लाया है, आर क्यू, तो आपने ये कर दिया। अब देखिए ये जो आपका पी क्यू है, पी क्यू, और ये जो आर क्यू है ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, और जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रॉम्बस हुआ करता है। तो देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल आपका बना पी क्यू आर एस, ये क्या हो गया, इज अ रॉम्बस। तो ये आपका एक रॉम्बस जो है वो प्रूव हो गया है। तो ये आपका प्रूव हो गया।